हेलो, आइए आपके सामने मैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 क्लास 11 का रिवीजन नोट्स आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। रिवीजन नोट्स और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर जेई के लिए, फॉर नीट के लिए और फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए और स्कूल के क्लास 11th एग्जाम के लिए, और इसे बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। 12th के लिए भी कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है और 11th के लिए तो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, प्लस जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा लगेगा। आप आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सारे टॉपिक को देखिए और लाइक करें। सब लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आइए, तो ऑब्जेक्टिव यानी द लर्नर्स विल बी एबल टू, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ मोल है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक मास है, ये सारी चीजें हैं, सही यूनिट ऑफ वेरियस मेजरेबल क्वांटिटी है, मैटर एंड इट्स नेचर, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर और सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पूरे ये जो है आपका स्टडी मटेरियल हो गया, नोट्स हो गया, आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। देखिए, बहुत कम कम पॉइंट दे करके हमने इस नोट्स को बनाया है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जैसे ये मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एक एक लाइन का ये आपके सामने स्क्रीन पर ये रखा गया है। इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, एसआई यूनिट किसका किसका एसआई यूनिट क्या होता है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, वेट का एसआई यूनिट यहाँ पर न्यूटन है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट देखिए, और डेंसिटी का एसआई यूनिट, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी क्या है, राइट, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये इसका कुछ रूल है। इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस, सारे टॉपिक इसमें आपको बताएंगे हम। डायमेंशनल एनालिसिस जो वन यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल के साथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक ला, ये सब एक एक लाइन का ला है, पढ़ लीजिए। एवोगाड्रो ला, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए मोलर मास, फॉर्मूला मास, ठीक है ना, ये सारी टॉपिक है। यहाँ पर देखिए ग्राम मोलर वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी, ये है, इससे कुछ क्वेश्चंस भी है। अब वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा 2 × V2 ऑफ इक्वल टू मोलिकुलर मास, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर में दिया हुआ है, फारेनहाइट में निकालना है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल साइंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, चलिए, अब परसेंटेज कंपोजिशन आप जानते ही हैं, परसेंटेज कंपोजिशन यानी परसेंटेज बाई वेट ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इनटू 100, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100, तो ये होगा। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है ना, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे अगले वीडियो को देखिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। जस्ट इसके बाद फिर हमने चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को का नोट्स दो पार्ट में आपको दे रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।